प्लेटफॉर्म से मैं हूँ सामा सहज। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कैरियर से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे ओवरऑल मार्केट की कंडीशन के लिहाज से आपको इस कंडीशन के मुताबिक प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले व्यूअर्स, मैं आपको ओवरऑल बताना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू हर साल वैसे ही इंक्रीज होती है। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको लगता है कि डाउन है या प्रॉपर्टी के अंदर अभी कोई इतनी ज़्यादा आपको वैल्यू इंक्रीज होती हुई नज़र नहीं आ रही, वो वहाँ की डिमांड की वजह से आपको उस प्रॉपर्टी की प्राइसेस के अंदर एक स्टॉप आपको नज़र आता है कि वहाँ पर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू अब मज़ीद इंक्रीज़ नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि डिमांड वहाँ पर नहीं हो रही होती है। लेकिन इसी दौरान जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, जिसको इस चीज़ का आइडिया होता है कि हर गुजरते दिन के साथ साथ एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के साथ साथ हर किसी का ख्वाब होता है कि हम किसी अच्छी ब्रांड वाली सोसाइटी के अंदर या एक रिजनेबल सोसाइटी के अंदर हम अपना एक घर बनाएं, हम वहाँ पर अपनी रिहाइश रखें, अपने बच्चों को एक बेहतरीन ज़िंदगी वहाँ पर प्रोवाइड करें, वहाँ पर तमाम तर उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हों, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिहाज से हों और उस और इसके अलावा जो स्कूल से रिलेटेड और जो भी उनको जो रिक्वायरमेंट होती है, तो वो यही चाह रहे होते हैं। तो इस सूरत हाल को भी अगर जब हम मद्देनज़र रखते हैं तो हर किसी ने अपना घर बनाना है, हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि हम एक अच्छी सोसाइटी के अंदर अपना घर बनाएं। तो व्यूअर्स, जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर होगा वो इस चीज़ को सोचते हुए प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेगा। और जब वहाँ पर अगर रेट एक स्टेबल भी नज़र आ रहा है तो वो उस वक्त ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा बाइंग करेगा। क्यों? उसको उस वक्त नज़र आ रहा है कि अगर यहाँ पर अब करंटली मार्केट की कंडीशन के मुताबिक यहाँ प्रॉपर्टी की प्राइस इंक्रीज़ नहीं हो रही है या यहाँ पे रुकी हुई है, तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टाइम है। उस बेहतरीन टाइम के अंदर रहते हुए वो वहाँ पर परचेजिंग करता है। परचेजिंग करने के बाद जैसे ही मार्केट के अंदर डिमांड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, तो वो एक अच्छे प्रॉफिट के साथ, एक बेहतरीन प्रॉफिट के साथ उसको फिर डिस्पोज ऑफ भी करता है। तो व्यूअर्स, हम आपको यही अपडेट करना चाह रहे थे, आपको यही बताना चाह रहे थे कि मार्केट की इस कंडीशन के अंदर भी आपको प्रॉपर्टी के अंदर ज़रूर बाइंग करनी चाहिए। आप खुद ही व्यूअर्स इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको भी आइडिया है कि प्रॉपर्टी हमेशा आपको प्रॉफिट देकर जाती है अगर आप उसको एक अच्छे टाइम पीरियड के साथ उसको रखते हैं, एक अच्छे टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए आप उसको बाद में जब सेल आउट करते हैं तो व्यूअर्स आपको वो एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाती है। साथ ही साथ आप एक अच्छे कंसल्टेंट को चूज़ भी करते हैं तो वो आपको एक अच्छी एडवाइस भी देता है, आपको अपडेट भी करता रहता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर रहते हुए अगर आप यहाँ परचेजिंग करेंगे, उसके बाद आप इसको इतने टाइम फ्रेम के अंदर रखते हैं, आप जब आप इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे तो आप एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको इस टाइम पीरियड के अंदर रहते हुए भी आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप एक अच्छी ब्रांड वाली सोसाइटी को जो है ना आप कंसीडर करें। क्यों? क्योंकि एक ब्रांड वाली सोसाइटी के अंदर ही आपको मज़ीद अच्छे और बेहतरीन जम्प्स आपको देखने को मिलते हैं कि वहाँ पर आपने जब आप एक स्लो मार्केट कंडीशन के मुताबिक जब आपने कोई प्रॉपर्टी वहाँ परचेज की होती है, तो जैसे ही वहाँ पर डिमांड इंक्रीज होती है, जो लोग एक अच्छी सोसाइटी का इंतखाब कर रहे होते हैं, एक अच्छी सोसाइटी के अंदर अपना घर बनाना चाह रहे होते हैं या एक अच्छी सोसाइटी के अंदर कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली तब आपने जो परचेजिंग की होगी एक कम एक रिजनेबल प्राइस के अंदर रहते हुए आप एक अच्छे प्रॉफिट था उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में, जो कि बहुत ही बड़ा कमर्शियल जोन बन चुका हुआ है और बन भी रहा है, आने वाले वक्त के अंदर बहुत ही बड़ा वो कमर्शियल जोन होगा, वहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा। वहाँ पर आपको बहुत ही शानदार मॉल्स आपको दिए जा रहे हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस के ऊपर आपको कमर्शियल शॉप्स ऑफर की जा रही हैं, आपको अपार्टमेंट्स ऑफर किए जा रहे हैं जो आपको आज की डेट के मुताबिक बहुत ही रीजनेबल मिल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर उनकी प्राइसेस भी मज़ीद से मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी। तब आप अपनी उस प्रॉपर्टी को, अगर आप उसको रेंटल इनकम के लिहाज से लेकर चाह रहे होंगे तो वो आपको एक अच्छा रेंटल रिटर्न दे रहा होगा, प्रॉफिट अगर आप डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे होंगे तो वो आपको एक अच्छे प्रॉफिट के साथ आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आपके फंड्स के अगेंस्ट, एक अच्छे रिटर्न के लिहाज से, आपके कैपिटल के अंदर ग्रोथ के लिहाज से, आपको फ्यूचर के अंदर अच्छे रेंटल रिटर्न के लिहाज से यहाँ पर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो आपको फ्यूचर के अंदर एक अच्छे मिल भी रहे होंगे। मजीद व्यूअर्स, अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है या मजीद कोई भी आप कंसल्टेंसी चाह रहे होंगे प्रॉपर्टी के हवाले से, कुछ कहीं और भी अगर आप बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।